मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री नृपेन मिश्रा जी, श्री अजीत सेठ, श्री अशोक जी, राज्यों से पधारे हुए सभी आदरणीय मंत्रीगण और पर्यावरण की रक्षा में प्रतिबद्ध सभी अधिकारी भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है। दो दिन बड़ी विस्तार से चर्चा होने वाली है। इस मंथन में से कई पूर्ण महत्वपूर्ण बातें उभर करके आएगी जो आगे चल करके नीति या नियम का रूप ले सकती हैं, और इसलिए हम जितना ज़्यादा एक लंबे विजन के साथ इन चर्चाओं में अपना योगदान देंगे तो ये दो दिवसीय सम्मेलन अधिक सार्थक होगा। इस विषय में मैं कुछ और बातें आज बताने का मन करता है मेरा। क्लाइमेट के संबंध में या एनवायरनमेंट के संबंध में प्रारंभ से कुछ हमारी गलत अभिव्यक्ति रही है और हम ऐसे जैसे अपनी बात को उस प्रकार से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें न क्लाइमेट की परवाह है न हमें एनवायरनमेंट की परवाह है और सारी दुनिया हमारी इस अभिव्यक्ति की गलती के कारण ये मानकर के बैठी कि विश्व तो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो रहा है, विश्व क्लाइमेट की चिंता कर रहा है, तो ये देश है जो कोई अड़ंगे डाल रहा है। और इसका मूल कारण ये नहीं है कि हमने एनवायरनमेंट को बिगाड़ने में कोई अहम भूमिका निभाई है, क्लाइमेट को बर्बाद करने में हमारी या हमारे पूर्वजों की कोई भूमिका रही है। हकीकत तो उल्टी है। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हम अपनी बात किसी न किसी कारण से, एक तो हम कई वर्षों तक गुलाम रहे, इन सदियों तक गुलाम रहने के कारण एक हमारी मानसिकता भी बनी हुई है कि अपनी बात दुनिया के सामने रखते समय हम बहुत संकोच करते हैं। ऐसा लगता है यार कहीं ये आगे बढ़ा हुआ विश्व, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, हमारी बात मजाक तो नहीं बन जाएगी। जब तक हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, शायद इस विषय पर हम ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। और मैं आज इस सभागृह में उपस्थित सभी महानुभावों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, हम जितने प्रकृति के विषय में संवेदनशील हैं, दुनिया हमारे लिए सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकती है। आज भी प्रति व्यक्ति अगर कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन किसी का होगा तो कम से कम कंट्रीब्यूशन वालों में हम हैं। लेकिन उसके बाद भी आवश्यकता यह थी कि विश्व में जब क्लाइमेट विषय में एक चिंता शुरू हुई, भारत ने सबसे पहले इसका नेतृत्व करना चाहिए था।
क्योंकि दुनिया में अधिकतम वर्ग ये है कि जो क्लाइमेट की चिंता औरों पर रिस्ट्रिक्शन की दिशा में करता रहता है, जबकि हम लोग सदियों से प्रकृति की रक्षा करते 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 जीवन विकास की यात्रा में आगे बढ़ने के पक्षकार रहे हैं। दुनिया जो आज क्लाइमेट के संकट से गुजर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रही है, उसको अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे बचा जाए, क्योंकि वो बाहरी प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कई बार कहा है कि इन समस्या की जड़ में हम कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जो सारे नीति नियम बना रहे हैं, विश्व के अंदर एक बंधनों की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोई अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। समस्या की जड़ में मानव जात जो कि उपभोग की तरफ आगे बढ़ती चली गई है, और जहां ज्यादा उपभोग की परंपरा है वहां सबसे ज्यादा प्रकृति का नुकसान होता है, जहां पर उपभोग की प्रवृत्ति कम है वहां प्रकृति का शोषण भी कम होता है। और इसलिए हम जब तक अपने लाइफस्टाइल के संबंध में फोकस नहीं करेंगे और दुनिया में इस एक बात को केंद्र बिंदु में नहीं लाएंगे, हम शायद बाकी सारे प्रयासों के बावजूद भी, लेकिन ये जो बहुत आगे बढ़ चुके देश हैं उनके गले उतारना जरा कठिन है। वो माने या न माने, हम तो इन्हीं बातों में पले बड़े लोग हैं, हमें फिर से एक बार अगर वो चीजें भुला दी गई हैं तो हमें उस पर सोचना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, आजकल दुनिया में रिसाइकल की बड़ी चर्चा है और माना जाता है कि ये कोई नया विज्ञान आया है, नई व्यवस्था आई है। जरा हमारे यहां देखो, रिसाइकल, रीयूज और कम से कम उपयोग करने की हमारी प्रकृति कैसी रही है। पुराना जमाने की जरा अपने घर में दादी माँ उनके जीवन को देखिए, घर में कपड़े अगर पुराने हो गए होंगे तो उसमें से रात को बिछाने के लिए गद्दी बना देंगे, वो भी अब उपयोगी नहीं रही तो उसमें से भी झाड़ू पोते के लिए उस जगह का उपयोग करेंगे। यानी एक चीज को रिसाइकल कैसे करना, घर में ही हर चीज का, वो हमारे यहां सहज परंपरा थी, सहज प्रकृति थी। मैंने तो देखा है गुजरात के लोग आम खाते हैं, लेकिन आम को भी इतना रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं, शायद कोई बाहर सोच नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बाहर से बोरो की हुई चीजें नहीं है, लेकिन हमने दुनिया समझे उस टर्मिनोलॉजी में उन चीजों को आग्रहपूर्वक रखा नहीं, विश्व के सामने हम अपनी बातों को ढंग से रख नहीं पाए। हमारे यहां पौधे में परमात्मा, जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान के माध्यम से लेबोरेटरी में जब सिद्ध किया कि पौधे में जीव होता है, उसके बाद ही हमने जीव है मानना तय किया। ऐसा नहीं है, हम सहस्त्रों वर्ष से गीता का उल्लेख करें, महाभारत का उल्लेख करें, हम तभी से मानते आए हुए कि पौधे में परमात्मा होता है। और इसलिए पौधे की पूजा, पौधे का की रक्षा, ये सारी चीजें हमें परंपराओं से सिखाई गई थी, लेकिन कालक्रम में हमने ही अपने आप को कुछ और तरीके से रास्ते खोजने के प्रयास किए। कभी कभी मुझे लगता है, यहां अर्बन सेक्रेटरीज बहुत बड़ी संख्या में हैं, हम परंपरागत रूप से चीजों को कैसे कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं जो बातें बताऊंगा ये जो सो कॉल्ड अंग्रेजीयत वाले लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे, 48 घंटे तक बड़ा मखोल उड़ाएंगे, आपको भी बड़ा मनोरंजन मिलेगा टीवी पर, क्योंकि एक अलग सोच के लोग हैं।
जैसे मैं एक बात बताऊं, आपको मालूम होगा यहां से जो जिनका गांव के साथ जीवन रहा होगा, गांव में एक परंपरा हुआ करती थी कि जब फुल मून होता था तो दादी माँ बच्चों को चांदनी की रोशनी में सुई के अंदर धागा परोने के लिए प्रयास करते थे। क्यों? आईसाइट तो थी लेकिन उस चांदनी की रोशनी की अनुभूति कराते थे। आज शायद नई पीढ़ी को पूछा जाए कि आपने चांदनी की रोशनी देखी है क्या, क्या पूर्णिमा की रात को बाहर निकले हो क्या? अब हम प्रकृति से इतने कट गए हैं, अगर क्या हमारी अर्बन बॉडीज ये तय करें, लोगों को विश्वास में लेकर के करें कि भाई हम पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलाएंगे। इतना ही नहीं, उस दिन फेस्टिवल मनाएंगे पूरे शहर में, सब मोहल्ले में लोग स्पर्धा करेंगे सुई में धागा डालने की। एक कम्युनिटी इवेंट हो जाएगा, एक आनंद उत्सव हो जाएगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। चीज छोटी होती है, आप कल्पना कर सकते हैं कि सभी अर्बन बॉडी में महीने में एक रात इस चांदनी की रात का उपयोग करते हुए अगर स्ट्रीट लाइट बंद की जाए तो कितनी ऊर्जा बचेगी, कितनी ऊर्जा बचेगी तो कितना एमिशन हम कम करेंगे। लेकिन यही चीज इस कार्बन एमिशन के हिसाब से रखोगे तो ये जो सोकॉल अपने आप को पढ़े लिखा मानता है वो कहे वाह नया आइडिया है, लेकिन वही चीज हमारे गांव की दादी माँ कहती, वो सुई और धागे की कथा कहकर कहेंगे अरे क्या ये पुराने लोग हैं, इनको कोई समझ नहीं है, देश बदल चुका है। क्या हम ये तय हमारी युवा को प्रेरित कर सकते हैं कि भाई संडे हो, संडे ऑन साइकिल मान लीजिए। हो सकता है कोई ये भी कह देगा कि मोदी अब साइकिल कंपनियों का एजेंट बन गया है, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का, पता नहीं कौन क्या हर चीज का अर्थ निकालता है। जरूरी नहीं हर लोग साइकिल खरीदने जाए, तय करें कि भाई मैं सप्ताह में एक दिन ऊर्जा से उपयोग में आने वाले साधनों का उपयोग नहीं करूंगा अपनी अनुकूलता। समाज में जो लाइफस्टाइल की बात करता हूं, हम पर्यावरण की रक्षा में इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, सहज रूप से दे सकते हैं और थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। एक शिक्षक की जीवन को मैं बराबर जानता हूं। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो उन पिछड़े इलाकों में चला जाता था जून महीने में कि जहां पर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बहुत कम हो, 44 डिग्री टेम्परेचर रहा करता था जून महीने में, और मैं ऐसे गांव में जाके 3 दिन रहता था। जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा वो काम रेगुलर करता था। एक बार मैं समुद्री तट के एक गांव में गया था, एक भी पेड़ नहीं था पूरे गांव में, कहीं पर नहीं, लेकिन जो स्कूल था वो घने जंगलों में जैसे एक छोटी सी झोपड़ी वाली स्कूल हो ऐसा माहौल था। तो मेरे लिए आश्चर्य था, मैंने कहा कहीं एक पेड़ नहीं दिखता है, स्कूल बड़ी ग्रीन है, क्या कारण है? तो वहां एक टीचर था, उस टीचर का इनिशिएटिव, इतना यूनिक इनिशिएटिव था। उसने क्या किया, कहीं से भी बिस्लेरी की बोतल मिलती थी खाली, उठा करके ले आता था। पेट्रोल पंप पर ऑयल के जो टीन खाली होते थे वो उठा करके ले आता था और ला करके स्टूडेंट को एक एक को दे देता था साफ कर करके खुद, और उनको कहता था कि आपकी माताजी जो किचन में बर्तन साफ करके किचन का जो पानी होता है वो पानी इस बोतल में भर करके रोज स्कूल में जब आओगे तब साथ लेके आओ। और हमें भी हैरानी थी कि सारे बच्चे हाथ में ये गंदा दिखने वाला पानी भर कर क्यों क्यों आते हैं। उसने हर बच्चे को एक पेड़ दे दिया था और उनको कहा था कि इस बोतल से डेली तुम्हें पानी डालना है, फर्टिलाइजर भी मिल जाता था। एक व्यक्ति के अविरत प्रयास का परिणाम था कि वो पूरा स्कूल का कैंपस एकदम से हरा भरा था। कहने का तात्पर्य है कि इन चीजों के लिए समाज का जो सहज स्वभाव है, उन सहज स्वभाव को हम कितना ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं एक बार इजराइल गया था, इजराइल ने रेगिस्तान में कम से कम बारिश, एक एक बूंद पानी का कैसे उपयोग हो, पानी का रिसाइकल कैसे हो, समुद्री के पानी से कैसे स्वीट वाटर बनाया जाए, इन सारे विषयों में काफी कुछ उन्होंने काम किया है।
काफी प्रगति की है। इज़राइल दो हिस्सों में, एक अभी भी रेगिस्तान है जहां हरा भरा होना बाकी है, और एक है पूर्णतः उन्होंने रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया है। बेन गुरियन जो इज़राइल के राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं, तो मैं जब इज़राइल गया था तो मेरा मन कर गया कि उनके जो निवास स्थान है मुझे देखना है, उनकी समाधि पर जाना है। तो मैंने वहां की सरकार को रिक्वेस्ट की थी, बहुत साल पहले की बात है, तो मैं वहां गया था। उनका घर उस रेगिस्तान वाले इलाके में ही था, वहीं रहते थे वो। और दो चीज़ें मुझे मन को छू गई। एक, उनके बेडरूम में महात्मा गांधी की तस्वीर थी। वे सुबह उठते ही पहले उनको प्रणाम करते थे। और दूसरी विशेषता ये थी कि उनकी जो समाधि थी, उन समाधि के पास एक टोकरी में पत्थर रखे हुए थे। सामान्य रूप से इतने बड़े महापुरुष के वहां जाएंगे तो मन करता है फूल रखें वहां, नमन करें। लेकिन चूंकि उनको ग्रीन प्रोटेक्शन करना है, ग्रीनरी की रक्षा करनी है, फूल फल इसको नष्ट नहीं करना है, ये संस्कार बढ़ाने के लिए बेन गुरियन की समाधि पर अगर आपको आदर करना है तो क्या करना होता था, उस टोकरी में से एक पत्थर उठाना और पत्थर रखना, और शाम को वो क्या करते थे, सारे पत्थर इकट्ठे करके फिर टोकरी में रख देते थे। अब देखिए एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाओं को लोग विकसित करते हैं। हम अपने आप से बाकी सारी बातों के साथ साथ हम अपने जीवन में इन चीजों को कैसे लाएं, उसके आधार पर हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे स्कूलों में इन संबंध में किस प्रकार से एक माहौल बनाया जाए, प्रकृति रक्षा, प्रकृति पूजा, प्रकृति संरक्षण, ये सहज मानव प्रकृति का हिस्सा कैसे बने, उस दिशा में हमको जाना होगा। और हम वो लोग हैं जिनका तक्ते ने भूंजी था, यही जिनका जीवन का आदर्श रहा है। जहां तेन तक्ते ने भूंजी था का आदर्श रहा हो, वहां पर हमें प्रकृति का शोषण करने का अधिकार नहीं है। हमें प्रकृति का दोहन करने से अधिक प्रकृति का उपयोग दुरुपयोग करने का हक नहीं मिलता है। दुनिया में प्रकृति का शोषण ये प्रवृत्ति है, भारत में प्रकृति का दोहन ये संस्कार है। शोषण ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। और इसलिए विश्व इस संकट से जो गुजर रहा है, मैं अभी भी मानता हूं कि दुनिया को इस क्षेत्र में बचाने के लिए नेतृत्व भारत ने करना चाहिए, और उस दिमाग से भारत ने अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दुनिया क्लाइमेट चेंज के लिए हमें गाइड करे और हम दुनिया को फॉलो करें, दुनिया पैरामीटर तय करे और हम दुनिया को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। सचमुच में इस विषय में हमारी हजारों साल से वो विरासत है, हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, हम विश्व को मार्गदर्शन कर सकते हैं, और विश्व को इस संकट से बचाने के लिए भारत रास्ता प्रशस्त कर सकता है, इस विश्वास के साथ इस कॉन्फ्रेंस से हम निकल सकते हैं। हम दुनिया की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। उस विजन के साथ हम अपनी व्यवस्थाओं के प्रति जो भी समयानुकूल जो भी बदलाव लाना है, हम बदलाव लाए। अब जैसे अभी, अब ये तो हम नहीं कहेंगे, अच्छा कुछ लोगों ने मान लिया कि पर्यावरण की रक्षा और विकास दोनों कोई आमने सामने, ये सोच मूलभूत गलत है। दोनों को साथ साथ चलाया जा सकता है, दोनों को साथ साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, इसका पालन होना चाहिए। अगर वो पालन होता है तो हम उसका उसकी रखवाली भी करते हैं, और उसके लिए जो चीजें करें, जैसे अभी हमने कोयले की खदानें उसकी नीलामी की, लेकिन उसके साथ साथ उनसे जो पहले राशि ली जाती थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वो चार गुना बढ़ा दी, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आवश्यक है तो वो भी बदलाव किया। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम इस प्रकार से बदलाव लाने की दिशा में कैसे प्रयास करें, और अगर हम प्रयास करते हैं तो परिणाम मिल सकता है। दूसरी बात है, ज्यादातर भ्रम हमारे यहां बहुत फैलाए जाते हैं। अभी लैंड एक्विजिशन बिल की चर्चा होती है, इस लैंड एक्विजिशन बिल में कहीं पर भी एक भी शब्द वनवासियों की जमीन के संबंध में नहीं है, आदिवासियों की जमीन के संबंध में नहीं है, फॉरेस्ट लैंड के संबंध में नहीं है।
वो जमीन उसके मालिक लैंड एक्विजिशन बिल के दायरे में आते ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनको इस देश की सारी चीजों की समझ नहीं है वो 2400 घंटे चलाते रहते हैं, पता ही नहीं उनको, कहीं उल्लेख तक नहीं है, उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि समाज को गुमराह करने का इस प्रकार का प्रयास आपके लिए कोई छोटी बात होगी, आपके राजनीतिक उसूल होंगे, लेकिन उसके कारण देश को कितना नुकसान होता है। और कृपा करके ऐसे भ्रम फैलाना बंद होना चाहिए, सच्चाई के धारा पर पूरी डिबेट होनी चाहिए, उसमें पक्ष विपक्ष हो सकता है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन आप जो सत्य कहना चाहते हो उसमें दम नहीं है, इसलिए झूठ कहते रहो, इससे देश नहीं चलता है। और इसलिए मैं विशेष रूप से वन विभाग से जुड़े हुए मंत्री यहां और अधिकारी उपस्थित हैं, तो विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कहीं पर जंगल की जमीन, आदिवासियों की जमीन, उसका कोई संबंध नहीं है, उस दायरे में वो आता नहीं है। हम सबको मालूम है कि उसके अलग कानून है, वो अलग कानूनों से प्रोटेक्टेड है, इस कानून का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कम से कम और ऐसे मित्रों से मैं प्रार्थना करूंगा कि देश हित में कम से कम ऐसे झूठ को बढ़ावा देने में आप शिकार न हो जाए, ये मेरा आग्रह रहेगा। आज ये भी यहाँ बताया गया कि टाइगर की संख्या बढ़ी है, करीब 40% वृद्धि हुई है, अच्छा लगता है सुन करके, वरना दुनिया में टाइगर की संख्या कम होती जा रही है और 2/3 संख्या हमारे पास ही है, तो एक हमारा ये एक बहुत बड़ा गौरव है। और ये गौरव मानवीय संस्कृति का भी द्योतक होता है, इन दोनों को जोड़कर इस चीज का हमने गौरव करना चाहिए और विश्व को इस बात का परिचय होना चाहिए कि हम किस प्रकार की मानवीय संस्कृतियों को लेकर के जीते हैं कि जहां पर इतनी तेज गति से टाइगर की जनसंख्या का विकास हो रहा है। हमारे पूरब के इलाके में खास करके हाथी को लेकर के रोज नई खबरें आती हैं, हाथी के लेकर के परेशानी आती है। अभी मैं कोई एक साइंस मैगजीन पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैंने पहली बार पढ़ी, शायद आप लोग तो इसके जानकार होंगे तो पता होगा, जब खेत में हाथियों का झुंड आ जाता है तो बड़ी परेशानी रहती है कैसे निकालना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भांति भांति के शस्त्र लेकर के पहुँच जाते हैं और दो दो दिन तक हो हल्ला हो जाता है। मैंने एक साइंस मैगजीन पढ़ा, कहीं पर लोगों ने प्रयोग किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रयोग लगा मुझे। वे अपने खेत के बाड़ पर या पेड़ है तो उस पर हनी बी को डेवलप करते हैं, मधुमक्खी को रखते हैं, और जब हाथी के झुंड आते हैं तो मधुमक्खी एक स्पेशल प्रकार का आवाज करती है और हाथी भाग जाता है। अब ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं सफल हुई हैं, आज भी शायद हमारे यहां हो सकता है कुछ इलाकों में करते भी होंगे। हमें इस प्रकार की व्यवस्थाओं को भी समझना होगा ताकि हमें हाथियों से संघर्ष करना पड़े, मानव और हाथी के बीच संघर्ष के जो समाचार आते हैं उससे हम कैसे बचें। हम हाथी की भी देखभाल करें, अपने खेत की भी देखभाल करें, अगर ऐसी सामान्य व्यवस्थाएं विकसित हो सकती है। और अगर ये सत्य है, मैंने तो कहीं पढ़ा था, मुझे प्रत्यक्ष किसी से किसान से मेरी बात हुई नहीं है, लेकिन मैं कभी आसाम की तरफ जाऊंगा तो पूछूंगा, सबसे बात करूंगा, क्या है जानकारी लाने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आप में से उस दिशा में वहाँ क्षेत्र में काम करने वाले जहाँ हाथी की जनसंख्या है और गाँव में कभी कभी चली आती हैं, तो उनके लिए शायद हो सकता है कि ये अगर इस प्रकार का प्रयोग कहीं हुआ तो काम आ सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जगत सब समस्याओं से गुजरा होगा, हम ही एक पहली बार गुजर रहे से थोड़ा है,
और हर एक ने अपने अपने तरीके से उसके उपाय खोजे होंगे। उनको फिर से एक बार वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तराजू से देखा जाए कि हम इन चीजों को कैसे फिर से एक बार प्रयोग में ला सकते हैं, थोड़ा उसको मॉडिफाई करके प्रयोग में ला सकते हैं। इन दिनों जब पर्यावरण की रक्षा की बात आती है तो ज़्यादातर कारखाने और ऊर्जा, उसके आसपास चर्चा रहती है। भारत उस अर्थ में ईश्वर की कृपा वाला राष्ट्र रहा है कि जिसके पास मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस की संभावना वाला देश है। इसका हमने मैक्सिमम उपयोग कैसे करना, और इसलिए इस सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि हम सोलर एनर्जी, हम विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, उस पर कितना ज़्यादा बल दें ताकि हम जो विश्व की चिंता है उसमें हम मदरूप हो। लेकिन मजा देखिए, जो दुनिया क्लाइमेट के लिए लीड करती है, दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं, अगर हम उनको कहें कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में आगे जाना चाहते हैं, कि न्यूक्लियर एनर्जी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक अच्छा रास्ता है, और हम उनको जब कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आवश्यक फ्यूल दो, तो उसमें वो मना कर देते हैं। यानी हम दुनिया की इतनी बड़ी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप सेवा करो, ये नियम पालन करो, वो पालन करो। मैं दुनिया के उन सभी देशों से आग्रह करना चाहूंगा कि भारत जैसा देश जो इस प्रकार से नेतृत्व करने के लिए तैयार है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, सिविल न्यूक्लियर की तरफ हमारा बल है, हम न्यूक्लियर एनर्जी पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता हम करने को तैयार है, क्योंकि हमें पता है कि पर्यावरण की रक्षा में वो अच्छा सा अच्छा रास्तों में से महत्वपूर्ण है। लेकिन वही लोग जो हमें एनवायरमेंट के लिए भाषण देते हैं, वो न्यूक्लियर के लिए फ्यूल देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये दो तराजू से दुनिया नहीं चल सकती, और इसलिए विश्व पर हमने भी ये दबाव पैदा करना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ये दबाव दिखने वाला है, लोग अनुभव करेंगे। हम सोलर एनर्जी की ओर जा रहे हैं, विंड एनर्जी की जो है बायोमास की ओर जा रहे हैं, लेकिन मैं अर्बन बॉडीज को कहना चाहूंगा, अगर हम स्वच्छ भारत की चर्चा करें तो भी, और एनवायरमेंट की चर्चा करें तो भी, वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में हम लोगों ने आग्रहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ओर हमने पूरा ध्यान देना चाहिए। और आज वेस्ट वेल्थ का एक सबसे बड़ा बिजनेस है, वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करना एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुआ है। हम अपनी अर्बन बॉडीज में इसको कैसे जोड़े, अर्बन बॉडी में वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने के दिशा में स्पेशल फोकस हमारा क्यों हो, और आप देखिए उसके बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक छोटा सा प्रयोग है, मैं अर्बन बॉडी के मित्रों से आग्रह करूंगा, मान लीजिए हम हिंदुस्तान में 500 शहर पकड़े जहां 1 लाख से ज्यादा आबादी है, और वहां पर हम तय करें, अब देखिए आज जो शहर का कूड़ा कचरा फेंकने के लिए जो जमीन की जरूरत है ना, हजारों एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी अगर ये कचरों के ढेर करने हैं तो। अब जमीन लाओगे कहां से, और जमीन नहीं है तो क्या मतलब है कि कूड़ा कचरा पड़ा रहेगा क्या? और इसलिए हमारे लिए उस पर प्रोसेस करना, रिसाइकल करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना ये अनिवार्य हो गया है, और वैज्ञानिक तरीके उपलब्ध है। अगर हम अर्बन बॉडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें और पानी को ठीक करके अगर किसानों को वापिस दे, वरना एक समय ऐसा आएगा शहर और गांव के बीच संघर्ष होगा पानी के लिए, गांव कहेगा मैं शहर को पानी नहीं दूंगा, देने दूंगा, और शहर बिना पानी मरेगा। लेकिन अगर शहर जो पानी उपयोग करता है उसको रिसाइकल करके गांव को अगर वापस दे देता है खेतों में, तो ये संघर्ष की नौबत नहीं आएगी, और एक प्रकार से ट्रीटेड वाटर होगा तो फर्टिलाइजर की दृष्टि से उपयोगी इस प्रकार से उस पानी को बना करके दिया जा सकता है। और अर्बन जो बॉडी होता है उसके अगल बगल के गांव होते हैं वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं,
और वही सब्जी उनके शहर के अंदर बिकने के लिए आती है और रोजमर्रा की उनकी आजीविका उससे चलती है। हम इन्हीं को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके, सॉलिड वेस्ट में से हम मानो फर्टिलाइजर बनाएं और वो फर्टिलाइजर उनको दें, तो ऑर्गेनिक सब्जी शहर में आएगी कि नहीं आएगी? इतनी बड़ी मात्रा में अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं शहरों के कूड़े कचरे से बनाए हुआ, तो अच्छी क्वालिटी का विपुल मात्रा में सब्जी शहर में आएगी, तो सस्ती सब्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सस्ती सब्जी गरीब से गरीब व्यक्ति खाएगा तो न्यूट्रिशन में के प्रॉब्लम को सॉल्व होगा कि नहीं होगा? वेजिटेबल सफिशियंट खाएगा तो हेल्थ सेक्टर का बजट कम होगा कि नहीं होगा? एक प्रयास कितने और चीजों पर इफेक्ट कर सकता है, इसका अगर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करें तो हम हमारे गांवों को भी बचा सकते हैं, हमारे शहरों को भी बचा सकते हैं। कभी कभार अज्ञान का भी कारण होता है। हमारे यहाँ देखा है कि फसल होने के बाद, अब जैसे कॉटन है, कॉटन लेने के बाद बाकी जो उसको जला देते हैं, लेकिन उसी को अगर टुकड़े कर करके खेत में डाल दे तो वही चीज न्यूट्रिएंट के रूप में काम आता है, फर्टिलाइजर के रूप में काम आती है। मैंने एक प्रयोग देखा था, केले की खेती हमारे यहाँ हो रही थी, तो केला उतारने के बाद, केला देने की जब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो जो पेड़ का हिस्सा होता है उसके टुकड़े कर करके उन्होंने जमीन में डाले, और मैंने अनुभव किया कि उसके अंदर इतना वाटर कंटेंट होता है केले के वेस्ट पार्ट में कि 90 दिन तक आपको फसल को पानी नहीं देना पड़ता है, उसी में से फसल पानी ले लेती है। अब हम थोड़ा सा इन चीजों का प्रयोग समझे, सीखे, इसको अगर पॉपुलर करें तो हम पानी को भी बचा सकते हैं, फसल को भी बचा सकते हैं। हम चीजों को किस प्रकार से, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा आधुनिक से आधुनिक विज्ञान की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है, सहज समझ का विषय होता है। इनको जितना हम आगे बढ़ाएंगे हम इन चीजों को कर सकते हैं। अर्बन बॉडी आग्रह पूर्वक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी रास्ता निकल सकता है। आप जो ये वेस्ट खेतों में देंगे किसानों को, उसके कारण अगर केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम होता है, तो केमिकल फर्टिलाइजर में से जो सब्सिडी बचेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो सब्सिडी जो बचेगी वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए हम शहरों को दे देंगे। यानी आपके वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट होगी, और आप तो आप जो खाद्य तैयार करोगे वो खाद्य उपयोग करने के कारण केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी बचेगी, वो आपको मिलेगी। आप गैस पैदा करोगे, गैस दोगे तो जितनी मात्रा में गैस पैदा करोगे, जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी है वो बचेगी, तो वो गैस सब्सिडी हम आपको ट्रांसफर करेंगे, आपके वायबिलिटी गैप फंडिंग में काम आएगी। हम एक उसका फाइनेंस का भी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर करके हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देते हुए, हमारे नगरों को स्वच्छ रखते हुए, वहां के कूड़े कचरे को वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करें, और बहुत एंटरप्रेन्योर अब मिले हैं, उनको हम कैसे प्रयोग में, मैंने देखा है एक जगह पर वेस्ट में से ईंटें बना रहे हैं और इतनी बढ़िया ईंटें मजबूत बन रही हैं कि बहुत काम आ रही है। आपने देखा होगा पहले जहां पर बिजली के थर्मल प्लांट हुआ करते थे, वहां बाहर कोयले की वो ऐश जो होता है उसके ढेर लगे रहते थे। आज रिसाइकल होने के कारण, उसमें से ईंटें बनने के कारण, सीमेंट में उपयोग आने के कारण, वो निकलते ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दो दो साल के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, निकलते ही हम उठाएंगे। यानी जो चीजें किसी समय पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए संकट था, वही आज प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया है। हम थोड़ा इस दिशा में प्रयास करें, हम इनिशिएटिव लें, हम इसमें काफी कुछ मदद कर सकते हैं, और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि इन चीजों को बल देते हुए आने वाले दिशों में, दो दिन आप जब चर्चा करेंगे, गंगा की सफाई, उसके साथ जुड़ा हुआ है गंगा किनारे पर रहने वाले, गंगा किनारे के गांव और शहर। मैं उन संबंधित राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बैंकों से हम आग्रह करेंगे उनको कम दर से लोन दें, लेकिन एफ्लुएंट प्लांट जहां लगाने होंगे शहरों में वो लगाए जाएं, सुएज के ट्रीटमेंट के लिए जो कि चीजें करनी हो करी जाए। एक बार हमने सफलतापूर्वक 2,500 किलोमीटर लंबी गंगा के अंदर जाने वाले प्रदूषण को रोक लिया, पूरे दुनिया के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने एक नया विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हम सामान्य अपने तौर तरीकों से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।
यह विश्वास पैदा करने के लिए एक मॉडल के रूप में इस काम को खड़ा करना है, और एक बार एक काम खड़ा हो गया तो और काम अपने आप खड़े हो जाएंगे। एक विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है और किया जा सकता है। एक बार हम किसी चीज को हाथ लगाए, पीछे लग जाए, परिणाम मिल सकता है। और मैं चाहूंगा ज्यादातर इन 5 राज्यों से कि जो गंगा के किनारे की उनकी जिम्मेवारी है, 6000 के करीब गांव है, 118 शहर है, कोई 800 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार हैं, इसको टारगेट करते हुए एक बार गंगा किनारे पर हम तय कर लें कि वहां से कोई भी दूषित पानी या कूड़ा कचरा गंगा में जाने नहीं देंगे। आप देखिए अपने आप में बदलाव शुरू हो जाएगा। फिर तो गंगा की अपनी ताकत भी है खुद को साफ रखने की, और वो हमसे आगे निकल जाएगी। लेकिन हम तय करके हम गंदा नहीं करेंगे तो गंगा को साफ रखने के लिए और हमें और करना नहीं पड़ेगा, वो गंगा खुद अपना कर सकती है। लेकिन हम गंदा न करें इतना तो संकल्प करना पड़ेगा। और उस काम को लेकर के आज यहाँ जब बैठे तब गंगा किनारे के जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो क्या अधिकारी हैं, वो विशेष रूप से आधा पौना घंटा साथ बैठ करके उन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए विशेष रूप से चर्चा करें, मेरा आग्रह रहेगा। फिर एक बार मैं इस प्रयास को का स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है कि इस सपने के साथ फिर एक बार मैं दोहराता हूं, ये एक ऐसा विषय है जो हमारी बपौती है, हमारी डीएनए है। हमारे पूर्वजों ने इस विषय में मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा की है। विश्व का नेतृत्व हमारे पास ही होना चाहिए, क्लाइमेट के मुद्दे पर यह मिजाज होना चाहिए। पूरे विश्व को हम दिशा दिखा सकते हैं कि यह हमारा विषय है, यह हमारी परंपरा है। दुनिया को हम सिखा सकते हैं, इतनी ताकत के साथ हम यहां से निकले, यही अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।